नमस्कार दोस्तों, कैसे डाकू रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि बने वो भी आपको बताता हूँ। तमिल के रत्नाकर डाकू जिस दिन नारद मुनि को लूटने लगे, नारद मुनि ने कहा कि जाइए घर में पूछ के आइए कि घर वाले इस डकैती में आपका साथ देंगे। तो घर गया, निराश होकर लौटा, किसी ने साथ नहीं दिया। और नारद मुनि से बोला कि कुछ ऐसा कर दें जिससे कि मैं भी आपके रास्ते पर चल सकूं। उनने कहा, मेरे पास तो राम का ही नाम, राम बुलाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी रत्नाकर राम नहीं बोल पाया, कोई कभी बोला ही नहीं था। तो फिर जिस पेड़ से नारद जी को बांधा था उसको ही तमिल में उन्होंने कहा, ये क्या है? उसने कहा, मरा पेड़। तमिल में पेड़ को मरा कहते हैं। तो नारद मुनि जी बोले कि तू मरा मरा बोल। तो मरा मरा बोलते बोलते ही जो है वो राम राम बोलने लगा। और कई सालों की तपस्या के बाद वाल्मीकि ऋषि की में कन्वर्ट उनका उनका जो है चरित्र हो गया। मित्रों, ये है जब से पहला वो सिंबल था, जब से जो है हम लोग सिंबोलिज्म्स पे ध्यान देने लगे, जब से मंदिर है, मस्जिद है, ये चीज़ें बनने लगी, फोटो बनने लगी, नमस्कार करने लगे, बिंदी लगने लगी, नारियल लगाने लगे, केले के पत्ते रख लगे, पहला सिंबोलिज्म जो है नारद मुनि द्वारा बना गया, जिससे कि रत्नाकर जो है वाल्मीकि ऋषि में कन्वर्ट हुए। धन्यवाद।